Let's continue our topic, center of mass. Center of mass में मैं planar continuous mass system समझा रहा था, जिसमें मैंने uniform semicircular wire last lecture में कराया था, और इसके अलावा triangular lamina के बारे में बताया था. आज मैं दो-तीन और cases बताता हूँ center of mass के कुछ special case, जिसमें सबसे पहला है center of mass of a uniform semicircular lamina. If we have got a uniform semicircular lamina, mass m and radius r, uska mass m hai and radius r. Now we are supposed to determine center of mass of such a uniform semicircular lamina. This tarah. Now we will use the previous obtained result. Humne jo semicircular wire के लिए जो center of mass determine करा है, हम उस result को इस्तेमाल करेंगे इस semicircular lamina का center of mass determine करने के लिए. मैं एक बार वह article जरूर recall करा दूं कि uniform semicircular wire का center of mass हमने कहां locate करा था. If this is a semicircular wire having radius of r, इस सेमी सर्कुलर वायर का जो सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है, दैट इज एट 0.2r/π, 0.2r/π. दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर. हम इस रिजल्ट का इस्तेमाल इस जगह पर करेंगे सेमी सर्कुलर लेमिना के लिए, एंड वी विल फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास फॉर दिस प्लेनर कंटीन्यूअस मास सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्लेनर मास सिस्टम बिकॉज मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड इट्स कंटीन्यूअस. नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट सेंटर ऑफ मास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू define a coordinate axis. हमको एक सबसे पहले एक proper coordinate axis define कर देनी चाहिए, और let us say इसे हम x axis बोल देते हैं. This is x axis and this is y axis. Now what is the benefit of choosing this coordinate axis? The benefit is, now y-axis becomes the axis of symmetry. अब यह जो y-axis है, यह axis of symmetry है. Since y-axis is the axis of symmetry, hence center of mass must lie on y-axis. Center of mass का x coordinate 0 होना चाहिए, और center of mass का y coordinate finite होना चाहिए. And we need to determine that y coordinate of center of mass. अब किस तरह से हम center of mass का y coordinate determine करें? Definitely the formula is well known to you. The y coordinate of center of mass is integral of y dm upon integral of dm. यह formula हमें apply करना है, मगर इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करा जाए यह बात सोचनी. अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें वंस अगेन इस जगह पर एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करनी होगी. यदि यह एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर लेमिना है, तो इस यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर लेमिना के लिए मैं कहूंगा मास पर यूनिट एरिया that must remain a constant. Mass
पर यूनिट एरिया, मैं यह एक टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, मास पर यूनिट एरिया, मैं इसे सिग्मा से डिनोट करता हूं और मास अपॉन एरिया लिखता हूं, द एरिया इज एम अपॉन पाई आर स्क्वायर बाय टू और टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हमने एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी है, ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, मास पर यूनिट एरिया, आई विल ऑलवेज डिनोट इट बाय सिग्मा। मैंने मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क एम लिखा और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाय टू लिख दिया, तो इस तरह से 2m बाय पाई आर स्क्वायर, यह मास पर यूनिट एरिया हो गया। और यह एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, यह एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी है। अब मैं सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए, आई टोल्ड यू द स्टैंडर्ड मेथड इज फॉर एनी कंटिन्यूअस मास सिस्टम वी ऑलवेज नीड टू चूज अ डिफरेंशियल एलिमेंट, and by choosing a differential element we used to discretize the system. अब इस situation में differential element कई तरीके से choose करा जा सकता है, मगर सबसे आसान तरीके से यदि आप problem को solve करना चाहते हो तो differential element choose करने का जो सबसे अच्छा तरीका होगा, जो सबसे इफेक्टिव मेथड होगा, दैट वुड बी दिस एलिमेंट। हम इस तरह से एक डिफरेंशियल एलिमेंट चूज कर, दिस डिफरेंशियल एलिमेंट, नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का शेप क्या है? रेडियस इज आर, इसका रेडियस स्मॉल आर है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर लेमिना इज कैपिटल आर, और यह जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है इसका रेडियस मैंने स्मॉल आर लिया, एंड इट्स विड्थ इज डी आर, द विड्थ इज डी आर। व्हाट इज शेप ऑफ दिस एलिमेंट? इट्स यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, ये बिल्कुल डिफरेंशियल विड्थ का है, डी आर विड्थ का है, बिल्कुल पतला सा है, तो यह एक थिन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर बन गया। और इस सेमी सर्कुलर वायर के लिए हमें ऑलरेडी यह जानकारी है कि सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास 2r बाय पाई पर होता है, इस पॉइंट पर हम इस इंफॉर्मेशन को डेफिनेटली यूज करेंगे। अब देखिए किस तरह से हम इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें dm डिटरमाइन करना होगा, इसके लिए dm लिखना होगा, व्हाट इज डिफरेंशियल मास ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का डिफरेंशियल मास सबसे पहले लिखना होगा। इसके लिए मैं मास पर यूनिट एरिया मेरे पास में है, मुझे किसी तरह से इसका एरिया डिटरमाइन करना है। एरिया किस तरह से डिटरमाइन करूं? देखिए मैं पहले लेंथ लिखता हूं, लेंथ, This is the length of this wire. यदि r radius है तो इसका length होएगा pi r. It's a semicircular wire. Semicircular wire का length होएगा pi r. The total circumference is 2 pi r. Its length is pi into small r. And its width is dr. इसकी width dr. I'll say डिफरेंशियल एलिमेंट का मास भी डिफरेंशियल होना चाहिए, एंड दैट डिफरेंशियल मास मस्ट बी लेंथ इनटू विड्थ और पाई आर इनटू डी आर, दिस मस्ट बी डिफरेंशियल मास ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एरिया, सॉरी मैं मुझे एरिया लिखना है, दिस डिफरेंशियल एरिया। अब डिफरेंशियल मास लिखने के लिए आई विल से मास पर यूनिट एरिया इनटू दिस डिफरेंशियल एरिया, आई विश टू राइट डिफरेंशियल मास, एंड दैट डिफरेंशियल मास वुड बी डीएम, वुड बी मास पर यूनिट एरिया इनटू डिफरेंशियल एरिया,
mass per unit area ke liye 2m by pi r square and its area is pi r dr. So I'll write m r dr upon r square. This is differential mass of the chosen differential element. अब हम एक बात कंफर्म यहीं पर कर लें. जो कुछ अभी तक हमने करा है इसको कंफर्म करने का एक साधारण सा तरीका है. इंटीग्रल डीएम मस्ट कम आउट टू बी इक्वल टू एम. इंटीग्रल डीएम एम आना चाहिए. इंटीग्रल ऑफ डीएम हमको एक्सप्रेशन में भी इसकी आवश्यकता है ही. इंटीग्रल डीएम हम निकाल कर रख लेते हैं. यह m आना चाहिए, उससे हमें यह कंफर्म हो जाएगा कि जो भी कुछ हमने अभी तक करा है वो सही है. इंटीग्रल डीएम के लिए मैं लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ m, इधर 2m r upon r square. This is integral dm. यह dm की जगह पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया. Now 2m is a constant, r square is a constant. Integral sign से यह बाहर आ जाएगा. Integral dm जब मैं लिख रहा हूं तो 2m upon r square जो कि कांस्टेंट है, यह इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया. इंटीग्रल के अंदर लिखा रह गया आर डीआर. नाउ व्हाइल इंटीग्रेटिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड द लिमिट्स. लिमिट्स मतलब हम सबसे पहला एलिमेंट जो लेंगे वो क्या होगा. जो सबसे पहला डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे वह क्या होगा और जो सबसे आखिरी डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे वह क्या होगा. उसके लिए यही वेरिएबल किस तरह से चेंज होगी. मैं कहता हूं सबसे पहला डिफरेंशियल एलिमेंट हम इधर लेंगे और उसके लिए रेडियस होएगा जीरो, और सबसे आखिरी डिफरेंशियल एलिमेंट हम यह वाला लेंगे और उसके लिए रेडियस होएगा कैपिटल आर. तो ये जो रेडियस है डिफरेंशियल एलिमेंट का, इसकी जो लिमिट्स है, लोअर लिमिट इज जीरो एंड अपर लिमिट इज कैपिटल आर. वी नीड टू एड आर इन दिस मैनर. अब हम कहते हैं आर डी आर, इंटीग्रल ऑफ आर डी आर. हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इज एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. इधर एन की वैल्यू वन है. सो आई विल राइट टू एम बाय आर स्क्वायर इन टू आर स्क्वायर बाय टू फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर. इंटीग्रल ऑफ dm 2m upon r square into r square by 2 minus 0 square by 2 and this comes out to be m. हमने दो काम करे. एक तो integral dm equal to m prove करके हमने यह बात साबित कर दी कि अभी तक जो भी कुछ हमने करा है वह बिल्कुल सही है, कहीं कोई किसी तरह से कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं है इस डिफरेंशियल एलिमेंट को लिखने में, इसको चूज करने में, इसका लेंथ लिखने में, इसकी विड्थ समझने में, इसका डिफरेंशियल एरिया समझने में. डिफरेंशियल एरिया के बाद इसका जो हमने मास लिखा है, डिफरेंशियल मास लिखा है, इस डिफरेंशियल मास के एक्सप्रेशन में कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब हमने उसको एड करके, जब हमने उसको इंटीग्रेट करके देखा तो इंटीग्रल डीएम इक्वल टू एम आ गया. एक तो यह बात प्रूव हो गई और वी गॉट कन्विंस्ड विथ अवर मेथड. दूसरा, हमें इंटीग्रल डीएम की इस एक्सप्रेशन में भी आवश्यकता है जो हमने इधर सब्स्टिट्यूट करने के लिए ऑब्टेन कर लिया. अब वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास समझने के लिए अब हमें वाई की वैल्यू भी समझनी. नाउ व्हाट इज वाई. हम कहते हैं Here we apply the logic, the concept of center of mass.
what do we mean by center of mass? ये जो हमने differential element लिया है, जो कि एक thin uniform semicircular wire है, इस semicircular wire को इसके mass को पूरी तरह से इसकी जगह से हटा दिया जाए और इसे पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उस पॉइंट मास को हमें उसके सेंटर ऑफ मास पे रखना होगा. दिस वाई इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डीएम मास. हम कहेंगे फॉर दिस डिफरेंशियल एलिमेंट द वैल्यू ऑफ वाई मस्ट बी 2R अपॉन पाई. This must be y. यह जो सेमी सर्कुलर वायर r रेडियस का है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है 2 कैपिटल R अपॉन पाई, मतलब सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से 2 कैपिटल R अपॉन पाई की दूरी पर होना चाहिए. इधर जो सेमी सर्कुलर वायर हमने लिया है, इसका रेडियस स्मॉल r है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पर कहीं होना चाहिए. इस जगह पर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है और यह सेंटर ऑफ मास की लोकेशन 2R अपॉन पाई पर. तो मैं कहता हूं इस डीएम मास को पूरी तरह से इसकी जगह से हटाना होगा और इस जगह से डीएम मास को, इस सेमी सर्कुलर वायर को हटाना होगा और इसे कंसंट्रेट कर देना होगा, इसको कन्वर्ज कर देना होगा, इसको पॉइंट मास बना देना होगा और उस पॉइंट मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे रखना होगा और उसका सेंटर ऑफ मास है 2R अपॉन पाई. दिस मस्ट बी वाई फॉर दिस डीएम. यह लॉजिक को हमें प्रॉपरली डेवलप करना. अब हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन डिटरमाइन कर देते हैं. सेंटर ऑफ मास की लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए हमें अब यह फॉर्मूला लगाना है. इस फॉर्मूले को लगाते हुए y की जगह पर हम लिखते हैं 2R अपॉन पाई और dm हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 2 कैपिटल M R dr अपॉन R स्क्वायर होल अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm इज कैपिटल मास m. इन दिस मैनर वी अप्लाइड दिस फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटीग्रल y dm बाय इंटीग्रल dm. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. हम सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं. 2 इंटू 2 4 इज अ कांस्टेंट, कैपिटल m इज अ कांस्टेंट, पाई R स्क्वायर इज अ कांस्टेंट अपॉन टोटल मास m. इंटीग्रल साइन के अंदर जो अब बचा रह जाता है दैट इज R स्क्वायर dr और हमें लिमिट्स लिखना जरूरी है. पहले ही हमने लिमिट्स आइडेंटिफाई करके लिख रखी है 0 टू कैपिटल R. हम मास m को काट देते हैं. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. कैपिटल मास m काट दिया जाए न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में. अब जो बचा रह गया जरा देखिए 4 अपॉन पाई r स्क्वायर और r स्क्वायर dr का इंटीग्रल है r क्यूब अपॉन और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट हमने इस तरह से लिख दी. अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस लोअर लिमिट फंक्शन में 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3 और इस तरह से वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 4R अपॉन 3 पाई और सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट 0.4R बाय 3 पाई. हियर इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
somewhere here, and it's 0.4R upon phi pi. बड़े ध्यान से यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर लेमिना के लिए सेंटर ऑफ मास की लोकेशन और कैसे इस पूरे एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करा गया, बड़े ध्यान से देखें। हम इसमें हल्के से ट्विस्टिंग स्टाइल के प्रॉब्लम्स आपको देंगे। पहले एक एक स्टेप को देखिए, कहीं कोई डाउट हो तो इसी समय मुझसे पूछिए।